भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भिलाई द्वारा बुधवार को नेहरू नगर वार्ड 4 अंतर्गत व्याप्त समस्याओं को लेकर नगर निगम जोन 1 कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इसी दौरान भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वार्ड 4 में सड़कों की हालत, भेलवा तालाब की सफाई और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर भिलाई नगम इन समस्याओं को लेकर कोई कदम नहीं उठाता तो युवा मोर्चा खुद वार्ड की सफाई कर निगम के मुख्य द्वार में कूड़ा करकट डंप करेगा। अभी जो नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 4 है, भिलाई की लगभग सभी जोनों में जो जोन क्रमांक 1 है वो नेहरू नगर का जो वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आता है, और यहाँ का जो इलाका है वो बहुत ही पोर्स इलाका है। सारी चीज़ों के विषय में जो कर लेना है वो यहाँ सबसे अत्यधिक कर लिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो बाकी जगह के जोन के समकक्ष नहीं दिखाई देता है। हम लोग यहाँ आज 5 सूत्री मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं कि जोन कार्यालय में आके जोन आयुक्त साहब से मुलाकात करके इन 5 सूत्री विषय के बारे में उनके संज्ञान में लाने के लिए, जिसमें नेहरू नगर के वार्ड क्रमांक 4 में विभिन्न गार्डनों में, गार्डन के समक्ष जितने भी घर हैं उन लगातार समस्या ये आती जा रही है कि वहाँ आपराधिक तत्वों का जमावड़ा होते जा रहा है। कई ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जिससे मोहल्ले के लोग वहाँ जाकर गार्डन में अपना समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो रोड है वो गंदी नालियों से, जो सेवरेज लाइन का जो पानी जा रहा है वो पानी ऊपर आ रहा है। गर्मी का समय है, निरंतर पशु जो जानवर जो इधर उधर विचरित कर रहे हैं वो पानी के तलाश में नाले में जाके गिर रहे हैं, क्योंकि सीवरेज लाइन का जो ढक्कन है वो भी टूटा हुआ है। आयुक्त साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन के माध्यम से उनसे चर्चा हुआ है। उनका कहना है कि वो अभी शादी में है, 5 तारीख के बाद उनसे मुलाकात होगी। हमने उनके बाबू को, सुरेखा राणा मैडम को, ज्ञापन सौंपा है, और युवा मोर्चा ने अपना विषय रखा है कि जो 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, उन 5 सूत्री मांग का समाधान अगर हफ्ता भर के अंदर नहीं होगा तो भिलाई जिला युवा मोर्चा नेहरू नगर के समस्त क्षेत्र से कचरा को एकत्रित करके एक दिन निगम कर्मी बन के यहीं निगम के दरवाजे पे पूरे कचरे को फेंकेगा, और साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी हैं उनको अंदर आने नहीं देगा और दरवाज़ा बंद करेगा। भिलाई निगम का दावा तो और भी बहुत सारे विषयों पर रहा है, लेकिन वास्तविकता पे ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो उनका एक भी दावा सार्थक साबित नहीं हो रहा। केवल अपने भिलाई निगम के जितने भी ठेकेदार हैं उनको, अपने कार्यकर्ताओं को केवल सेट करने में ध्यान दे रहा है, और बाकी यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही है जिससे निगम को हम अगर एक हफ्ते के अंदर हमारा विषय का समाधान नहीं होगा तो भिलाई जिला बड़े स्तर पर आह्वान करके आंदोलन करेगा और जोन कार्यालय को बंद कर देगा।